हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल कैसे हैं सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ सेशन में एंड गए uh, जैसा आप सभी को पता है अपन कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिन में एक बजे बहुत ही प्रॉपर टाइम है आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है आपके लिए अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ 1 पीएम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका क्लास चल रहा है वो कंटिन्यूस चल रहा है अभी एंड uh, आने वाले आठ आठ नौ दिनों के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद बहुत सारी प्लानिंग की है मैंने आप लोगों के लिए एंड कुछ क्वेश्चंस के भी प्लानिंग किया है मैंने कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करवाने हैं क्या क्या करवाना है उसी क्वेश्चन के सिलसिले में एक स्पेशल सेशन कल शाम को चार बजे आ रहा है आप लोगों के लिए इस यूट्यूब पे तो फटाफट सभी लोग जल्दी, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ और जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम आज उस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे

फर्स्ट ऑफ ऑल स माई सेल्फ सो हेलो एवरी वन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट इन गेट एंड डी एस सी एम टेक फ्राम आई आई टी फोर टाइम्स गेट टॉप रैंकर हैविंग नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट हेकन बाई इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा आप सभी को पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन थ्योरी ऑफ मशीन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे शानदार सब्जेक्ट यहां आप लोगों को पढ़ाता हूँ इसके साथ ही साथ वाइब्रेशन भी हैंडल करता हूँ डियर यू कैन सी दिस एंड अगर आप अभी फटाफट जुड़ रहे हो तो बेटा एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी लोग और सेशन को शेयर करने के साथ साथ सेशन को लाइक कर देना बेटा एंड चलिए शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हैं सो so, डियर आप लोगों का एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर इस समय जितने भी डाउट हैं वो डाउट कैसे सॉल्व होंगे हमारे जितने भी डाउट हैं वो डाउट कैसे सॉल्व होंगे तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ जो जुगाड़ लगाया गया है टी डॉट एम ई आलोक लाइव हमारा टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो ठीक है इस टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ो यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट रहता आप यहाँ बोलो आपको सारा सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा नाउ अगर आप हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक पे जुड़ना चाहते हो इफ यू वांट टू जॉइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सो so, प्लस पे सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहाँ मैजिकल लाइव क्लास मिलेगा सारा लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस के साथ मिलेगा आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल बैचेस एक्सेस कर सकते हो और रैंक इम्प्रोवमेंट बैच इसमें मेरा चल रहा है रैंक इम्प्रोवमेंट बैच में मैं भी हूँ एंड क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है और सारे कोर्सेस स्ट्रक्चरल मैनर से मिलेंगे और पर वीक हमारा वीकली टेस्ट होता है जहाँ आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना इसके साथ ही साथ आइकॉनिक अगर आप लेना चाहते हो एक प्रोग्राम है प्लस प्रोग्राम ठीक है ना जिसके साथ इतने सारे बेनिफिट हैं आइकॉनिक के अंदर पर्सनल कोच है डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग एजुकेटर मिलेंगे अलग से देन स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको स्टडी प्लानिंग की जाएगी बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस ये सब होगा डियर यू कैन यूज माई कोड दैट इज आलोक लाइव आलोक लाइव कोड लगाना है और हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए हमारे साथ बने रहिए प्लस हो या आइकॉनिक आप हमारे साथ यहाँ बने रह सकते हो कोड याद रखना आलोक लाइव ठीक है बारह महीने का ले लो या अठारह महीने का या चौबीस महीने का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ज़्यादा बेटर है आलोक लाइव कोड लगाइए एंड टेन uh, परसेंट का आपको ये ऑफर मिल रहा है डियर अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको ये टेन परसेंट का ऑफर मिल रहा है और यहाँ भी आलोक लाइव कोड लगाते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको यहां बुक्स वगैरह भी मिलती हैं तो ये ज्यादा बेनिफिट वाला है सब्सक्रिप्शन है यहां भी आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आलोक लाइफ कोड लगाने पर कोड याद रखना है डियर कोड क्या है बेटा कोड है आलोक लाइफ कोड क्या है डियर कोड है आलोक लाइफ ध्यान रखिएगा द डिस्काउंट कोड इज वॉट डिस्काउंट कोड इज आलोक लाइफ लाइव एंट्रिंग प्रोडक्ट के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड uh, यहाँ भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दैट इज आ लोक लाइव आइकॉनिक इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान आपके लिए बस यही कहूँगा आइकॉनिक लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी ले लीजिए एंड हाँ स्पेशल क्लास की बात करें तो आज जो स्पेशल क्लास है आज स्पेशल क्लास में सिक्स पी एक टेस्ट है डियर ठीक है एंड उसके बाद सेवन पी से आपका मैथ का क्लास है आज आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास तो सिक्स पी एंड सेवन पी से आपका दो क्लास है आज स्पेशल क्लास में आलोक लाइव पासवर्ड लगाकर आप मेरी सारी स्पेशल क्लास को हैंडल कर सकते हो यहाँ कुछ फीचर्स हैं स्पेशल क्लास के कि आपको लेक्चर नोट्स मिलेगा कभी भी देख सकते हो आप रेज और हैंड का ऑप्शन देख सकते हो कभी मिस नहीं होगी आपकी सारी क्लासेस स्पेशल क्लास दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये ऐप पर चलता है ना आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हो यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और अपने सबमिट बटन दबाकर अपने डाउट आप भेज सकते हैं इंडिया एंड दीज आर द न्यू बैचेस वील स्टार्ट ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवम्बर मैकेनिकल हो सी एस आई टी हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल कोई भी ब्रांच हो ठीक है ना आप यहाँ आलोक लाइव कोड लगाकर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आरोहन बैच के अंदर भी आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आलोक लाइव कोड लगाकर डियर ध्यान रखिएगा तो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है फिफ्थ दिसंबर थ्री पी एम ठीक है ना ध्यान रखिएगा तीन बजे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे यू कैन सी दिस ये सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है फाइव दिसंबर थ्री पी एम आप याद रखना है स्कॉलरशिप में कोड जो है हमारा क्या है आलोक लाइव आप इसी कोड को यूज करके आप इस टेस्ट को हैंडल करें एक स्कॉलरशिप टेस्ट है बहुत ही बेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है यू जी एस टी अनकेडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट इसी के साथ साथ मॉर्निंग एलेवन ए एम जो है आपका कल मॉर्निंग एलेवन ए एम आपका कॉम्बैट uh, टेस्ट भी होगा आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कल मैंने यहाँ प्योर बेंडिंग इक्वेशन जो है आपको पढ़ाया वट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग प्योर बेंडिंग क्या होता है उसको समझाया देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग देर इज आर नो सीयर फोर्स सीयर फोर्स इज जीरो ठीक है ना ए टू जेड सारी चीजें कि देखो बीम जो होता है लेयर बाय लेयर होता है उसमें एक लेयर ऐसा होता है जिसपे स्ट्रेस की वैल्यू होती है जीरो ठीक है ना उस लेयर को कहते हैं न्यूट्रल लेयर ठीक है ना इलास्टिक कंडीशन क्या होता है सारे लॉ आपको समझाया गया यहाँ किस तरीके से आपको स्ट्रेस का एक एक कोरिलेशन दिखाया मैंने न्यूट्रल लेयर न्यूट्रल फाइबर न्यूट्रल सर्फेस क्या होता है ठीक है ना ये सारी चीजें मैंने आपको बताई देन व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सेस न्यूट्रल एक्सेस क्या होता है कैसे कैसे हम ये वैल्यू की बातें करते हैं कैसे सिग्मा वाई पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें आपको दिखाया गया बेंडिंग के बाद हमने बताया था आपको प्योर बेंडिंग इक्वेशन प्योर बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हमने आपको डिराइव करके दिया था कल प्योर बेंडिंग इक्वेशन यू कैन सी दिस एम बाई आई सिग्मा बी बाई वाई ई बाई आर सो दीज आर देंडिंग इक्वेश यहां से मैंने कल बहुत सारे रिलेशन निकाले थे केस चार केस पढ़े थे शायद हमने केस वन केस टू देन केस टू से हमने सेक्शन मॉडुलस निकालना सीखा था कि हमने सारे सेक्शन के सेक्शन मॉडुलस देखे थे डियर यू कैन सी दिस जिसमें आई सेक्शन भी हमारा इंक्लूडेड था आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ एंड कल हाँ ये भी क्वेश्चन क्लियर करता वाई आई सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कल की क्लास नहीं देखिए देख लीजिएगा आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे सामने देखिएगा केस थ्री एंड केस फोर इतना हमने आपको कल पढ़ाया देन होलो सेक्शन का भी सेक्शन मॉडुलस एंड बेंडिंग स्ट्रेस बताया था नौ आज हम मैं आपको अभी बता देता हूं आज हम कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन लेकर आए हैं डियर ठीक है कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन सर वाई वी स्टडी ओनली एच इज ग्रेटर देन बी वाई बी स्टडी एंड देखो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो देखते हो मैंने वहां एक फिगर ऐसा बनाया ठीक है ना बी डी क्यूब या बी एच क्यूब ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट हमेशा बड़ा होगा ऐसा ऐसा कुछ नहीं अगर आप चाहो तो बी बड़ा कर दो उसको छोटा कर दो ठीक है ना उसमें कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा हाँ उसके अंदर ये फायदा होता है कि हाँ यार यहाँ से अगर पतला है तो यहाँ से बैंड हो जाता है ठीक है ना वो चीज़ें अगर देखते हो तो इसलिए हम एच को थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ टोटल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन है मज़ा आने वाला है आपको ठीक है ना टोटल फुल मजा आने वाला है तो पेन पेपर कैलकुलेटर सभी लोग हाथ में ले लीजिए और सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं आशा करता हूं कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करेंगे एंड चलो भाई शुरुआत करते हैं तो आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है आप क्वेश्चन देख सकते हैं डियर यू कैन सी दिस देखिए चलिए ए स्टील प्लेट ऑफ विन ट्वेंटी एम एम एंड थिकनेस ट्वेंटी दस मीटर का एक रेडियस है आर्क uh, मतलब आप कह सकते हो रेडियस ऑफ गाइडन रिटर माइंड द मैक्म स्ट्रेस इंड्यूज एंड द बिंग मूवमेंट विच विल प्रोड्यूज द मैक्सिमम स्ट्रेस टेक यंग्स मॉडल तो देखिए ध्यान से निकालिए मेरे को जल्दी से जल्दी बताइए क्या आया फटाफट सभी को क्वेश्चन करना है सभी बच्चों को क्वेश्चन करना है ध्यान से देखिए स्टील का व्यर्थ कितना दिया है एक व्यर्थ दिया है सॉल्यूशन करते हैं अपन तो दर्थ बी इज वन ट्वेंटी मिलीमीटर थीज ट्वेंटी मिलीमीटर आप यहाँ देख रहे हो गे टियर यहाँ थिकनेस को बड़ा नहीं कियानेस को छोटा करके रखा है सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन दीटर कल मैंने इसके बारे में बताया था कि कोई भी बीम जब बैंड करती है एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बैंड करती है तो डिटरमाइन द मैक्सिम स्ट्रेस इंड्यूस्ड तो कौन सा स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेन्डिंग मूवमेंट विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिम स्ट्रेस बेन्डिंग स्ट्रेस एंड ठीक है मैक्सिम बैंडिंग स्ट्रेस है मैक्सिम बैंडिंग स्ट्रेस निकालना है एंड बेंडिंग मूवमेंट निकालना है एट प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस मॉडल इज गिवेन इज इक्वल टू टू इंटू टेन पर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सो so, डियर आप यहाँ देख रहे हो गे आर जो है मीटर में है बाकी सारी यूनिट किस में है mm में तो हम क्या करेंगे आर को mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तो फैमिली के सारे मेंबर एम एम के हैं एक मेंबर मीटर का है तो उसको कन्वर्ट करने में आसानी होगी इसको एम एम में कन्वर्ट कर लेंगे ये सभी के अनुरूप ढल जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा सर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहली बात इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या होना चाहिए प्योर बेंडिंग इक्वेशन व्हाट इज द प्योर बेंडिंग इक्वेशन एम अपॉन आई सिग्मा बी अपॉन वाई ई अपॉन आर सो दिस इज द व्हाट दिस इज द प्योर बेंडिंग इक्वेशन एम अपॉन आई सिग्मा बी अपॉन वाई ई बाई आर ना अगर मैं यहां से कुछ सोचने की कोशिश करू कि वट इज द वाई सर वाई इज नथिंग बट थिकनेस का हाफ क्योंकि वाई क्या होता है यू कैन सी दिस अगर मैं एक बनाने की कोशिश करूं रेक्टेंगल सरफेस ठीक है ना दिस इज द बी एंड टी डियर यू कैन सी दिस इज वॉट दिस इज वाई तो वाई क्या होगा डियर ट्वेंटी बाई टू मतलब वाई हमारा टी के अंदर ही है ओके okay, सिग्मा बी भी, भी है ई e दिया हुआ है और आर दिया हुआ है तो एक काम करते हैं ना इसको सॉल्व कर लेते हैं सिग्मा बी अपॉन वाई इज्कवल टू तो ई बाई आर इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से हमारा क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा बी आ जाएगा चलो तो सिग्मा बी अपॉन वाई ई अपॉन आर तो व्हाट इज द सिग्मा बी ई वाई वन आर ध्यान से देखिएगा सिग्मा बी ई वाई अपॉन आर क्लियर है अरे वाह वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया ई इज वॉट टू इंटू टेन टू पावर फाइव इंटू वाई इज वॉट सर ट्वेंटी आर इज वॉट सर टेन मीटर दैट मीन्स टेन इंटू थाउजेंड न सोल्व दिस वैल्यू सिग्मा बीच आई थिंक टू हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर कुछ बच्चों ने इसी को 200 हंड्रेड मेगा पासकल बोला होगा कोई बात नहीं बहुत अच्छे ठीक है ना यहां सॉल्व कर लोगे तीन एक चार चार चला जाएगा 100 बचेगा 200 हंड्रेड या सो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो आप चाहो तो इसको इससे सॉल्व कर लो या इसको इससे सॉल्व कर लो या आपकी इच्छा है आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना कितना आया मोमेंट कुछ बच्चों ने मोमेंट भी निकाल दिया है ठीक है ना चलो ठीक है ना आप चाहो तो सिग्मा भी आप निकाल चुके उससे भी निकाल सकते हो दरवाइज लास्ट वाले से एम एप आई आईक्ल टू ई वाई आर आप ऐसे भी कर सकते हो ई एप आर आई e तो ई e क्या है भाई वट इज द आई आई क्या होगा आई इज नथिंग बट बी टी क्यू अपन क्या होगा कमान प्लीज सॉल्व आई क्या आएगा आई क्या आएगा इतना एम एम टू पावर फोर देखो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए मैं पूरा पूरा आपको यहां दिखा देता हूं डिवाइड बाय आर इज टेन मीटर सो व्हाट इज द मोमेंट here? द मोमेंट इज आई थिंक कुछ बच्चों ने निकाल दिया है 1.6 पॉइंट किलो न्यूट्रन मीटर ओके okay. बताएंगे सभी लोग क्या यही आया है क्या यही आया है क्या यही आया है जल्दी देखो चलो क्या यही आया है देखो जल्दी बताइए बहुत अच्छी तो आपका एक क्वेश्चन है मैं देखो मैंने एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिया ठीक ना ऐसे देखो क्वेश्चन जितने भी लिए हैं आज आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सबको आपको ऐसे ही लगेगा कि यार क्वेश्चन देखने बड़े आसान हैं सॉल्व करने में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है जरूर ठीक ना तो क्वेश्चन जो होते हैं गेट के भी इसी तरीके से होते हैं क्वेश्चन होते तो बड़े आसान हैं, बट क्वेश्चन जो है ना समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना उसके उस स्टेप पे उसके उस कॉन्सेप्ट को ठीक ना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है थोड़ा ध्यान से अगला क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूज इन ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 एम mm. Internal diameter 20 mm. That means this is what? This is the cast iron pipe. I, pipe is what? Pipe is a hollow. Okay. If pipe is a hollow, so the external diameter is 40, internal is 20. external is 40 internal is 20 okay now end of uh, length is of 4 meter when the pipe is supported at its end रीज ए पॉइंट लोड एटी न्यूटन एट इट्स मतलब आप ये कह सकते हो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये पाइप जो है हमारा कितने मीटर का है फोर मीटर एंड सपोर्टेड एट इट्स एंड यहाँ सपोर्ट्स लगे हुए हैं ठीक है एंड पॉइंट लोड 80 न्यूटन एट इट्स सेंटर एटी न्यूटन एट इट्स सेंटर यू कैन सी दिस तो क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द कास्ट आयरन दैट मीन्स इसके अंदर हमें क्या निकालना है सिग्मा बी मैक्स निकालना है देखिए ध्यान से क्वेश्चन को क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन का क्रॉस सेक्शन दे दिया है इज हॉलो तो इसका मतलब यहां से हमें एक क्या फायदा होने वाला है यहां से आप फटाफट आई निकाल सकते हो आई थिंक या थिंकनल फोर्टी हाँ सही है हम यहाँ ये क्वेश्चन लगा सकते हैं एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई ठीक है ना जिसमें वाई जो है वाई हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा क्योंकि क्यों? क्यों? हमें मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा ओके मैक्सिमम क्या होगा डियर सेंटर से मैक्सिमम एक्सट्रीम एंड तक की डिस्टेंस दिस इज व्हाट दिस इज वाई टू करना पड़ेगा इज mm. मैंने पूरा दिखा दिया एक एक स्टेप दिखा रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो सिग्मा भी मैक्स निकालना है डियर एंड uh, आई आप इस प्रोसेक्शन का निकाल सकते हो आई क्या होगा दिस इज वॉट दिस इज द हॉलो तो फाइव बाई सिक्सटी फोर फोर्टी टू पावर फोर सो वट इज द आई प्लीज सॉल्व आई कितना आया आई कितना आया वन वन सेवन एट जीरो नाइन आई थिंक यही आया एम एम टू पावर फोर सो यहां से आई निकल गया यू कैन सी दिस यहां से क्या निकल गया आई निकल गया नाउ व्हाट इज द एम व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सर दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा यू कैन सी दिस एट दिस मिड पॉइंट ये कहां लगा है बीचो बीच दिस इज टू मीटर सो व्हाट इज द रिएक्शन सर रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी क्या होगा डियर सर यहां मिरर इमेज टेक्निक यूज करें तो 80 का आधा हो जाएगा फोर्टी

इस पे यहाँ मिड पॉइंट पे अगर मैं लोड लगाऊं तो आप देख सकते हो जितना भी लगाऊं या आप ऐसे कर लो अगर मैं यहाँ एक डब्लू लोड लगाता हूं तो इसका मैंने बना के आपको दिखाया हुआ है टीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ध्यान से देखें डिस्टेंस इज एल बाई टू एंड डिस्टेंस इज एल बाई टू यहां जो रिएक्शन होता है वो होता है W बाई टू यहां जो रिएक्शन होता है वो होता है डब्लू बाई टू ठीक है आप चाहो तो डब्लू बाई टू ले लो आप चाहो तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही ले लो ठीक है ना आप चाहो तो W बाई टू ले लो या आप चाहो तो क्वेश्चन ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको क्वेश्चन लेने का है तो आप क्वेश्चन ले लो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन क्या है फोर मीटर एट्टी न्यूटन एटी न्यूटन टू मीटर यहां रिएक्शन फोर्टी न्यूटन यहां का रिएक्शन फोर्टी न्यूटन अब इसका सीयर फोर्स डायग्राम बना लो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो आप दोनों बना सकते हो ठीक है ना हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं हम इसका डायरेक्ट बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो मोमेंट डायग्राम इसका कैसा बनेगा जहां ये लोड है जहां ये लोड पड़ा है उस लोड पे सीयर फोर्स हमारा क्या होता है साइन चेंज करता है इसलिए इसका बेंडिंग डायग्राम जो बनने वाला है ठीक है ना ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एट दिस पॉइंट दोनों एंड पे हमारा क्या होता है जीरो एंड एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट फोर्टी इंटू टू दैट इज वॉट क्या होगा फोर्टी इंटू टू दैट इज वॉट इंटू so, टू कितना होगा बेंडिंग मोमेंट एट्टी न्यूटन मीटर आपको याद होगा आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैंने यहां क्या बताया था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल बाई फोर पढ़ाया था ना अगर मैं डब्लू एल बाई फोर से लेकर चलू तो भी मैं आपको बता सकता हूं एट्टी इंटू लेंथ इज फोर डिवाइड बाई फोर दिस इज वॉट दिस इज एन मीटर तो वही चीज आया यहा, वही maximum bending moment यहां वही मैक्सिमम बेंडिंग वहां से भी आ गया आप चाहो तो स्टैंडर्ड वाले जितने भीम हैं उसके बेंडिंग मैंट का फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो जैसे इसका हो गया डब्ल्यू एल वाई फोर या तो आप डायरेक्ट बना लो बेंडिंग वैन डायग्राम और इसको सोल्व कर लो दिस इज वॉट दिस इज द बेंडिंग वायग्राम दिस इज वॉट दिस इज द बेंडिंग वोवेंट डायग्राम आप बेंडिंग वैंट डायग्राम बना लो और इससे सॉल्व कर लो यू कैन सी दिस और जब बेंडिंग में डायग्राम आ गया उसको पुट कर दो इसमें। एम जो है याद रखिएगा ये सब मीटर में आया है मीटर में आया है ध्यान से अगर ये मीटर में आया है इसको एम में करना है तो 80 इंटू टेन टू पावर थ्री न्यूटन एम हो जाएगा हाँ अब हम क्या करेंगे इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे सिग्मा बी अपॉन वाई एम कितना आया आई क्या है डियर एलेवन सेवन एट जीरो नाइन वट इज सिग्मा बी सर सिग्मा बी ही तो निकालना है एंड वाई क्या है डियर ट्वेंटी सो प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी सब कुछ एम mm में है सो प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी कितना आया वन थ्री फाइव एट सॉल्व करो सही से थर्टीन पॉइंट फाइव एट वेरी गुड थर्टीन पॉइंट फाइव एट इज द राइट आंसर थर्टीन पॉइंट फाइव एट इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है कल को हो सकता है यहाँ कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन दे दे हो सकता है कोई दूसरा बीम बना दे और क्वेश्चन वही रख दे समझ रहे हो किस तरीके से हमने निकाला क्या प्रोसेस था ये सारी चीजें मैटर करती थर्टीन पॉइंट फाइव एट इज द राइट आंसर यू कैन सी दिस सभी लोगों का आया है यस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिस या थर्टीन पॉइंट फाइव एट वेरी गुड बहुत अच्छे ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ टू मीटर फेल्स वेन ए लोड ऑफ टू किलोमीटर इज अप्लाइड एट द फ्री एंड इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज फोर्टी एम एम क्रॉस सिक्सटी एम एम फाइंड द स्ट्रेस एट द फेलियर स्ट्रेस एट द फेलियर निकालिए कैंटीलीवर ऑफ लेंथ एक कैंटीलीवर बीम बनाइए टू मीटर फेल्स वेन द लोड ऑफ टू किलोमीटर अप्लाइड एट द फ्रेंड। टू मीटर का एक कैंटीलीवर बीम है किलोन्यूटर सेक्शन ऑफ द बी इमेज फोर्टी इंटू सिक्सटी अब आप सोच रहे हैं फोर्टी क्या लो सिक्सटी क्या लो सो डोंट टेक एनी टेंशन यहां जो दिया है आपको बी इंड बी और एच दिया है सॉरी ठीक है ये बी है और ये डी है वृत्त और डेप्थ ठीक है ना फाइंड द स्ट्रेस एट द फेलियर्स फेलियर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू बताइए तो हम एक काम करते हैं पहले हमें क्रॉस सेक्शन दिया है, तो एक काम कर लेते हैं दो चीजें निकाल लेते हैं क्या आई और वाई वाई क्या होगा सिक्सटी बाई टू देट इज थर्टी देख लीजिए एंड आई क्या होगा फोर्टी इंटू सिक्सटी वाई आई फोर्टी इंटू सिक्सटी क्यूब बाई ट्वेल्व दिस इज वॉट आई तो डियर अभी आपको यहाँ क्या देखना है आ, निकालना है फाइंड द स्ट्रेस वैल्यू ना तो आसान है आपके लिए अब तो के, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें सीधे उठा के ले जाना है वैल्यू रखना है हमें पता है एम अपॉन आई सिगमा बी अपॉन वाई आई और वाई निकल गया एम निकल जाए तो सिग्मा बी हमें पता चल जाएगा तो इसका एम क्या होगा तो डियर हम चाहेंगे इसका हम बेंडिंग डायग्राम ही ड्रॉ कर लें सो डियर यू कैन सी दिस अगर मैं यहां देखू कैंटी लिवर बी टू किलोमीटर टू मीटर ट इज दियर फोर्स डायग्राम ए सॉरी बेंडिंगमेंट डायग्राम सीधा बताओ हमें सपोर्ट पे बेंडिंग बेंडिंगमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है और ये ऐसे मुड़ेगा तो नेगेटिव इस पॉइंट पे जीरो टू टू जा फोर दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग बेंडिंगमेंट डायग्राम फोर न्यूटन मीटर ठीक है फोर न्यूटन मीटर अब इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्या होगा किलो न्यूटन को भी कन्वर्ट कर दो टेंट पावर थ्री और मीटर को भी एमएम में कन्वर्ट कर दो टेंट पावर थ्री न्यूटन किलो को कन्वर्ट कर दिया टेंट पावर थ्री ऑन मीटर को दिया, कर दिया टेंट पावर थ्री एम में कन्वर्ट कर दिया ठीक है कितना आ गया वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन बहुत अच्छा बस वैल्यू पुट कर दो पावर सिक्स अपॉन आई इज थर्ट कितना आएगा सिग्मा भी वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन यही आया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यही है क्या देखिए क्लियर है सभी का यही आया वेरी गुड डियर कल जो हमने लास्ट एक बार सेशन लिया था भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो वो सेशन होगा कल शाम को चार बजे ध्यान रखिएगा वो सेशन कल शाम को चार बजे होगा चलिए सभी का आंसर आ गया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ठीक है ना रेक्टेंगुलर बीम 200 हंड्रेड एम एम डीप थ्री हंड्रेड एम वाइड इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ एट मीटर व्हाट यूडीएल लोड पर मीटर द बीम मे कैरी इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सिस्ट वन ट्वेंटी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मतलब सिंपली सपोर्टेड है यहां क्लियरली लिखा है एंड यूडियल लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड है आ, इसके ऊपर क्या लगा भैया यूडियल लगा हुआ कह रहे ना

डिस्टेंस कितना है एट मीटर। एक सेकेंड मैं डिस्टेंस भी नहीं मैं सीधे क्या लिख देता हूं Length L। तो क्या होगा डब्ल्यू एल बाई टू ये हमारा हो गया रिएक्शन अच्छा ऐसे सिनेरियो में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये होता है स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आपको याद होगा जब यूडीएल का केस हम लोग पढ़ते हैं उस समय पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है होता तो है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट अब यह कैसे आया अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो और आप चेक कर सकते हो अदरवाइज आप इसके सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा यह पता करने के लिए आप इस सेंटर तक सारा मूवमेंट आप लेकर खुद ही देख सकते हो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सो दिस इज द डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एंड मैक्सन बेंडिंग मोमेंट है एंड uh, यहां से आई निकालो एम अपॉन आई सिग्मा बी अपॉन वाई यहां से निकल जाएगा बड़े आसानी से आपको सिर्फ ये लगाना है बाकी सब आपको M की बहन है एम की जगह जब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट रखेंगे तो W नहीं की बहन है बस ये निकल जाएगा फटाफट निकालो बहुत अच्छे बहुत अच्छे चार से पांच लाइन में आ जा रहे थे बहुत बड़ी बात है आराम से सॉल्व कर लीजिए देखना ध्यान से करो ध्यान से वहां मोमेंट डायग्राम का मैंने वैल्यू यहां डायरेक्ट लिख दिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आई भी आ गया अरे वाह आंसर कितना आया ये बताओ देखो अब इसमें देखोगे टू हंड्रेड डीप एंड थ्री हंड्रेड वाइड बहुत अच्छे वाई क्या होगा वाई क्या होगा सी दिस ठीक है या वेरी गुड ये टू हंड्रेड में डीप थ्री हंड्रेड में अरे 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 क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा डायरेमेंशन में पढ़ लिया। बताइए जी बिल्कुल सही बात है एक काम कर ले इसको अगर और सॉल्व कर ले तो ये और आसान हो जाए क्या होगा एम वाई अपॉन आई दिस इज वॉट एम अपॉन आई अपॉन वाई दिस इज़ व्हाट सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड बिल्कुल रेक्टेंगल सेक्शन का जेड आपको पता है बेटा डीप ये है वाइड ये है थोड़ा ध्यान से ठीक है डीप ये है वाइड ये है मैंने उल्टा फिगर बना दिया था थ्री हंड्रेड एम एम वाइड एंड टू हंड्रेड एम एम डीप ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है ना ये बी है ये डी है Please Solve I wl square by 8 और सिग्मा भी है वन ट्वेंटी न्यूटन पर एम स्क्वायर और ये है कितना W टू तो एट मीटर एट डब्लू न्यूटन मीटर क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट ना तो आठ मीटर है हाँ ठीक है तो ए डब्ल्यू न्यूटन मीटर है ध्यान से ए डब्ल्यू न्यूटन मीटर है थोड़ा ध्यान से मीटर को एम mm में कन्वर्ट कर लें बताइए कितना आया डब्लू कितना आया बेटा इसको एम एम में कन्वर्ट कर लो थर्टी इंटू टेन पॉट थ्री न्यूटन एमएम mm. ये न्यूटन मीटर है यू कैन सी दिस न्यूटन मीटर है ठीक ना यहां से जो बेंडिंग मोमेंट आया है न्यूटन मीटर में आया है एक सेकेंड यहां से डब्लू जो आएगा इसको कन्वर्ट कर लीजिए थर्टी हाँ थर्टी किलो न्यूटन में आ जाएगा या ये न्यूटन पर मीटर आ जाएगा बहुत अच्छे देख लीजिए ध्यान से हमने डब्लू किसमें लिया था हम डब्लू को उसी हिसाब से लिख दिए ठीक है दिस ना आई ना वाई कुछ मत निकालो सीधे जेड निकाल लो सीधे जेड कर सकते हो आसानी है सीधे जेड कर सकते हो आसान है ना ही आई ना ही वाई सीधे जेड आसान है वो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर बीम थ्री हंड्रेड एम एम डीम सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पेन ऑफ फोर मीटर रिटरमाइन द यूडीएल पर मीटर विच द बीम में कैरी इफ देश नॉट एक्सीडेंटी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक सिंपली सपोर्टेड को यूडीएल में कन्वर्ट कर देगा देखते रहो ध्यान से देखते रहो ध्यान से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक सिंपली सपोर्टेड के क्वेश्चन को एक सिंपली सपोर्टेड के क्वेश्चन को यूडीएल में कन्वर्ट कर देगा थोड़ा ध्यान से देखते रहो ए रेक्टेंगुलर बीम 300 हंड्रेड mm एम एम डीप सॉल्व करिए जरा एंड सिम्पली सपोर्टेड स्पैन ऑफ फोर मीटर डिटरमाइन द यू डी एल लोड पर मीटर विच द बीम मे कैरी इफ द बेंडिंग स्ट्रेस टूड नॉट एक्सीड दिस एंड आई इज ऑल्सो गिवेन इन दिस क्वेश्चन तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में थ्री हंड्रेड एम एम डीप है दिया हुआ है देख लो ध्यान से उसका वाइड नेचर नहीं दिया हुआ है डोंट टेक एनी टेंशन तो हमें डीप क्यों दिया हुआ है सर डीप वाई के लिए दिया हुआ है ఆ फटाफट వైని కాల్ లో ఏ స్పాన ఆఫ్ 4 మీటర్ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड आई इज गिवेन एट इंटू ट्वेंट पावर सिक्स एम एम टू पावर फोर सी दिस सब कुछ गिवेन है निकालो भाई वॉट यू डीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्पैन फोर मीटर का है सिंपली सपोर्टेड का स्पैन फोर मीटर का है एंड ओवर ए फोर मीटर डिटर्मिनेट यूडीएल पर मीटर मतलब यहां क्या लग रहा है आपका लग रहा है स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर ठीक तो वही है आपका सेंस वही दिमाग लगाइए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा अच्छा आंसर आ गया थ्री पॉइंट टू किलोमीटर पर मीटर अच्छा देखते हैं अभी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट तो आप यहां वैल्यू रख के एक बार चेक कर सकते हो स्मॉल डब्ल्यू फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन मतलब टू डब्ल्यू न्यूटन मीटर ओके नाउ पुट द वैल्यू मीटर को एमएम में कन्वर्ट कर दिया आई एज एट इंटू टेन पावर सिक्स वाई एज वन फिफ्टी तो फाइंड द वैल्यू डब्ल्यू

कोई भी आंसर होगा इनमें से कोई भी आंसर हो सकता देख लो ध्यान से सही है थ्री टू डबल जीरो क्लियर है क्लियर चलो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बेंडिंग स्ट्रेस के देखो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज शायद रह जाएं क्योंकि मेरी एक्चुअली में आज मेरी तबीयत खराब है डियर ठीक है ना और मैं फिर भी आज क्लास ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो मैं शायद आज ज्यादा लंबी क्लास ना ले पाऊँ तो कुछ क्वेश्चन शायद रह जाएगा कुछ क्वेश्चन रह जाएगा तो उस कुछ क्वेश्चन को अपन कल कंटिन्यू करेंगे सो डोंट टेक एनी टेंशन कुछ क्वेश्चन रह जाएगा तो कुछ क्वेश्चन को अपन कल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करवाएंगे उसमें हम दो चार पांच क्वेश्चन जो भी रहेगा दो तीन क्वेश्चन और वो मैं आपको कल कर दूंगा ठीक है ना इस क्वेश्चन को कर लीजिए सी दिस स्क्वायर बीम ट्वेंटी एम एम या ट्वेंटी मिलीमीटर क्रॉस ट्वेंटी मिलीमीटर स्क्वायर बीम है या yeah. इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा ठीक है और आज के लिए अपनी ये क्लास यहीं तक रखते हैं डियर ठीक है थोड़ा मेरी हालत थोड़ी गंभीर हो रही है हालत खराब हो रही है मैं मॉर्निंग से ही हालत थोड़ी तबियत ठीक नहीं है मेरी तो अपन करते हैं इसको कंटिन्यू कल करते हैं अपन आज इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा देख लीजिए एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए फोटो क्लिक कर लीजिए इसका ठीक है और कल जो है कल संडे है मैं फिर से बता दूं कल संडे है कल 4 पी आप लोग का सेशन है यूट्यूब पे कल 4 पी आपका सेशन है यूट्यूब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कल 4 पीएम आना नहीं भूलना उसी में आप लोगों के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं इसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं मैं वो करवा दूंगा आप चाहें तो क्वेश्चन के फोटो क्लिक कर सकते हैं ताकि घर पे प्रैक्टिस कर सके देन uh, आप uh, इस क्वेश्चन का भी फोटो क्लिक कर लीजिए इस क्वेश्चन का भी फोटो क्लिक कर लीजिए या yeah. इसका भी देन इस क्वेश्चन का भी फोटो क्लिक कर लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं डियर इसके बाद आपका ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है इन सारे क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लीजिए और वो स्क्वायर वाला एक बार जी आते कौन सा क्वेश्चन इस वाले में इस वाले में देखो कुछ नहीं है आते सिंपली सपोर्टेड बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है मिड पॉइंट पे यहां लोड लग रहा है ठीक है अब कह रहा है कि इस बीम और एक और बीम है जिसमें सेम मटेरियल का एक बीम है कैंटीलिवर बीम इसे क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है ठीक है ना अब सेम मटेरियल का पहले इस बीम से आप कुछ निकालोगे ठीक है ना बेंडिंग स्ट्रेस निकालना और वही बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू इसके अंदर रखना बिकॉज ऑफ सेम मटेरियल वही बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू यहां रखना और यहां से फिर कैलकुलेट कर देना सॉल्व हो जाएगा आसान क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड से बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालना और उसकी वैल्यू यहां रखना क्योंकि सेम मटेरियल है तो मैक्सिमम स्ट्रेस तो एक ही होगा तो उसको यहां रखना और यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना लेकिन आराम से सॉल्व हो जाएगा टेंशन मतलब ठीक है अच्छा स्क्रीनशॉट लेना ले है ले लीजिए ठीक है ठीक है डियर सो so, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए टी डॉट एम इसल आलोक लाइव अभी आपकी क्लासेस थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है मैं स्पेशल क्लासेस कल नहीं ले पाया था ठीक ना तो डोंट टेक एनी टेंशन अभी जब मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो शायद आपको कंटिन्यू बहुत ही क्लासेस देखने को मिलेंगी सो so, डोंट टेक एनी टेंशन मेरे को अभी समय लगेगा एक दो दिन का भी मैं ठीक हो जाऊँगा एंड चलिए सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल यू कैन सी दिस अगर आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हो एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकोनिक आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो लाइव क्लासेस अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा रैंक इंप्रूवमेंट बैच क्रैश कोर्स मिलेगा स्ट्रक्चर कोर्स वीकली टेस्ट अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे एक एक डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिलेंगे स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट मिलेगा टेस्ट की एनालिसिस की जाएगी बूस्टर सेशन और प्लानिंग करी जाएगी आपकी सिर्फ एक कोड लगाना है आलोक लाई अगर आप ये कोड लगाते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहोगे डोंट टेक एनी टेंशन ठीक है यहाँ याद रखिएगा बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का कोई प्लान होगा आपको मेरा कोड यूज करना है आलोक लाइव पर मंथ ईएमआई के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ भी आप आलोक लाइव कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हो बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने ठीक है डियर लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट के लिए आप आलोक लाइव कोड यूज कर सकते हैं डियर ध्यान रखिएगा एंड uh, आलोक लाइव लगाइए जहाँ आप स्पेशल क्लासेस पा सकते हो हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड uh, यहाँ आप अपने डाउट भेज सकते हो फोटो क्लिक करके लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो आपके आपका डाउट का सवाल का जवाब दे दिया जाएगा कल आपका कॉम्बेट होने वाला है फाइव दिसंबर मॉर्निंग एलेवन एम कोशिश करें कि सभी लोग कॉम्बेट जरूर दें ठीक है सो एंड आई एम इन रैंक इम्प्रोवमेंट बैच आपको इस रैंक इम्प्रोवमेंट बैच के अंदर बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन और शानदार शानदार सब्जेक्ट पढ़ाया है यहाँ देख लीजिए जाके आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में भी एंड दिस इज वॉट दिस इज द आरोहन बैच यहाँ भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैचेस सी एस आई टी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे न्यू बैचेस ठीक है सो so, अगर किसी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आलोक लाइव कोड लगाओ और ज्वाइन कर लो सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए बने रहिए लगातार सो so, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में सो so, सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करना चैनल को शेयर करना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना And, uh, तो भूलना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना सो टिल एंजॉय। बाय तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators Right after each contest, combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.